ऐसा हम सोच नहीं सकते। अरे ऐसा हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप दोनों पांव पर खड़े हैं तो वो अपने यकीन की वजह से खड़े हैं। छोटे होते वक्त आपने भाइयों को देखा कि वो पांव पर खड़े हैं, आपने ठोकरें खाई फिर उठे, ठोकरें खाई फिर उठे, लेकिन आप बैठे नहीं अपने यकीन की वजह से, मेहनत की वजह से नहीं, अपने यकीन की वजह से। आपका यकीन था, आपने भाइयों को देखा कि हम चल सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम कैसे नहीं चल सकते, तो आपने यकीन। उसकी शौकत दाइमी के पीछे मेहनत दाइमी का हाथ होता है। जिसने तगो दो न की हो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो पहले इस दुनिया की भट्टी में जलकर खालिस सोना बनता है, तब जाके वो कामयाब होता है। इस दुनिया की वो थपेड़े खाता है, तब जाके वो एक मजबूत दरख्त बन जाता है। आज का मेरा मौजू है कि आर्ट्स की अहमियत साइंस से बहुत ज्यादा है। भाई अली गौर कह रहे थे कि आज साइंस की वजह से ही आप जिंदा है। अरे पहले क्या साइंस नहीं थी? पहले साइंस नहीं थी, पहले भी लोग जिंदा थे, पहले भी लोग घरों में रहते थे, पहले भी लोग खाना खाते थे, पहले भी लोग खाना पकाते थे, फिर आप साइंस की अहमियत किस तरह ज्यादा कर सकते हैं? लेकिन जब उसके वालिद या वालदा उसको इंस्पायर करती हैं, जैसे मेरी अम्मी ने मुझे इंस्पायर किया था, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर शायद उस वक्त मेरी वालदा मुझे यहाँ पे इंस्पायर ना करती तो शायद आज मैं यहाँ पे था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबह करने पर इसलिए राजी हो गए कि उन्हें अल्लाह ताला पर यकीन था, उन्हें मालूम था कि मेरा अल्लाह मेरे समर को जाया नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार के सामने कितनी अज़ियतें बर्दाश्त की, उन पर पत्थर बरसाए गए, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके, उन्होंने इस्लाम की दावत शुरू रखी। क्यों? क्योंकि उन्हें अल्लाह पर यकीन था कि उनका अल्लाह उनके साथ है। प्यारे दोस्तों, शौके यकीन जब मर्द मोमिन के लहू में जोश डालता है तो वो हर किस्म की जंजीर को काट डालता है और काट के आगे बढ़ जाता है। प्यारे दोस्तों, शौके यकीन जो फर्जदार पर भी हक की गवाही देता है, ऐसा शौके यकीन जो कुफर और शर के मैदानों में भी जलजला बर्पा कर देता है, ऐसा शौके यकीन जो हर मैदान में अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर ललकार कर कहता है कि इतनी हिम्मत है तेरे में तो आ मेरे सामने और मेरा मुकाबला कर, क्योंकि दफन मेरा पसंदीदा लिबास है और शहादत मेरी महबूबा है। मैंने एक बात को देखा, वो अपने बच्चे को ऊपर उछाल रहा था, बच्चा ऊपर जाते हैं वो फिर उसको पकड़ लेता है, बच्चे के चेहरे पर अजब सी मुस्कान है, बच्चा ये नहीं करता क्योंकि उसको पता था कि उसका बाप उसको नीचे नहीं गिरने देगा, अपने मजबूत हाथों से उसको पकड़ लेगा। बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट है। अरे ये यकीन है जो भतीजे को चचा को ये कहने पर मजबूर करता है कि अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दे, तब भी मैं अपने मिशन से बाज नहीं आऊंगा, तब भी मैं अपने मकसद से बाज नहीं आऊंगा। ये खुद एतमादी है, ये यकीन कामिल है।